वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे का का तो करते हैं आज हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स एंड टॉपिक टेन As we discussed in आवर प्रीवियस लेक्चर कि एक बॉडी अगर टू और फ्रो मूव करे या फिर वो बैक और फोर्थ मूव करे तो ऐसे बॉडी के मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन और इन वाइब्रेटरी मोशन को आप ऑसिलेशन भी कह सकते हैं क्लियर सो व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है जो कि वक्त के साथ साथ कम होती जाए ऐसी ऑसिलेशन जो के वक्त के साथ साथ कम होती जाए उसे हम कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन अगर हम बात करें एक आइडियल सिस्टम की जिसमें किसी किसम की कोई रेजिस्टेंस नहीं होती कोई फ्रिक्शन नहीं होती जब ऐसे सिस्टम में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो वो कॉन्टिन्यूस रह जाती हैं और वो इनडेफिनेट टाइम्स तक चलती रहती हैं विद द सेम एम्पलीट्यूड क्लियर लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे सिस्टम की प्रैक्टिकली like हर सिस्टम में फ्रिक्शन भी मौजूद होती है और रेजिस्टेंस भी होती है सो so, अब ऐसे सिस्टम में जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी या ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी तो वो वक्त के साथ-साथ उस फ्रिक्शन की वजह से कम होती जाएगी क्लियर सो दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन सो इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं तो ऑसिलेशन्स ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन्स क्लियर कि एक रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ऑसिलेशन जो है वो कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता तो इसे हम कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन और जिस जिस तरह से आपकी ऑसिलेशन जो है वो डैम्ड हो रही होती है लाइक दिस ओके अब आप देख सकते हैं यहां पर जो ऑसिलेशन है वो डैम्ड हो रही है ओके सो ये जो डैम्ड होना है इसमें आप देख सकते हैं कि हर साइकिल में वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जा रहा है क्लियर

एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में बाय यूजिंग दैट ऑयल क्लियर सो इस तरह से आपको कोई जर्क फील नहीं होता और आपकी गाड़ी जो है वो स्मूथली इस तरह से शॉक्स हैं वो हो जाते हैं और अगेन आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है क्लियर सो आई होप इस एग्जांपल से आपको डैम्प ऑसिलेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सो so, अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेव मोशन द नेक्स्ट टॉपिक 10.3 मोशन। पॉइंट वेव मोशन क्या होती है, so, क्या है? एक ऐसा है जिसके थ्रू आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम टू एन अदर प्लेस ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन अम लाइक हम एक एक्टिविटी से डिस्कस करते हैं like, आपके पास एक पूल में पानी मौजूद है और उस पूल के दूसरे एंड पर एक पत्थर जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है अब आप पेंसिल से एक साइड पर मींस जिस साइड पर पत्थर है उसके ऑपोजिट साइड पर आपने पेंसिल से डेप करना है अब जैसे ही आप डेप करेंगे तो वहां पर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी सो so फर्दर आप कॉन्टिन्यूसली जब उसको डेप करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि वेव्स प्रोड्यूस होती रहेंगी और वे, वे वो वेव्स फर्दर फॉरवर्ड मूव करती रहेंगी जैसे ही वो वेव्स उस स्टोन तक पहुंचेंगी तो वो स्टोन को जाके वो स्टोन को भी फर्दर अप एंड डाउन मूव करवाएंगी तो इस तरह से स्टोन का एक वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा क्लियर यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि आपने वो जो बेसिकली एक मीडियम था उसमें आपने डिस्टर्बेंस कॉज की पेंसिल को डिप करवा के जैसे ही वो आप डिस्टर्बेंस कॉज करेंगे तो वेव ट्रांसफर होगी अब वेव ट्रांसफर क्या कर रही है वो आपकी एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है उस स्टोन तक और द एंड क्या हो रहा है कि स्टोन वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है और कब करता है जब हम उस मीडियम में डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं क्लियर सिमिलरली एक और एक्टिविटी डिस्कस करते हैं लाइक like, एक स्ट्रिंग है जिसको एक साइड पर आपने आपनेटिव एंड से आपने टाई कर दिया है। और दूसरा एंड को आपने हाथ में होल्ड कर लिया अब जैसे ही आप अपने हाथ से उस स्ट्रिंग को फ्लिप करेंगे अप एंड डाउन तो ये, स्ट्रिंग जो है, ये रोप जो है रसी इसमें कुछ वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी और वो वेव्स जो है वो ट्रैवल करती जाएंगी क्लियर सो आप कॉन्टिन्यूसली उस रोप को फ्लिप करते रहेंगे और जैसे फ्लिप करेंगे तो उस रोप के अंदर एक वेव जो है वो अप एंड डाउन इस तरह से मूव करती रहेगी और अब यहां पर ये यह जो इस रोप के अंदर वेव बन रही है बेसिकली जब वेव का अपर पार्ट होता है, है ट्रफ सिमिलरली अगर हम बात करें कि दो क्रस्ट के दरमियान का जो फासला होता है उसे आप कहते हैं वेव लेंथ सिमिलरली आप दो ट्रफ के दरमियान के डिस्टेंस को भी आप वेव लेंथ कह सकते हैं क्लियर आई होप आपको यहां पर वेवलेंथ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सो so, फर्दर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं लाइक साउंड साउंड इन इन आवर एयर द फॉर्म ऑफ तो जो के हमारे कानों तक पहुंच रहा है वो भी वेव्स की फॉर्म में पहुंचता है सिमिलरली सनलाइट एंड हीट अस थ्रू वेव्स और सनलाइट और हीट जो है वो भी वेव्स के थ्रू हम तक पहुंचते हैं रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग थ्रू वेव तो रेडियो और टेलीविजन की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी वेव्स के थ्रू होती है

तभी ये वेव्स ट्रैवल कर सकेंगी या फिर ये प्रोड्यूस हो सकेंगी अदरवाइज ये वेव ना तो प्रोपेगेट होती हैं ना ये प्रोड्यूस होती हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स तो वाटर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम कौन सा रिक्वायर्ड है लिक्विड और सिमिलरली साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम कौन सा रिक्वायर्ड है दैट इज एयर क्लियर सिमिलरली वेव्स वेव डू नॉट रिक्वायर के लिए कोई मीडियम so, को रिक्वायर्ड नहीं होता ये स्पेस में भी ट्रेवल हो जाती है क्लियर आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा टेक केयर mm <music>